एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी की शॉपिंग। और इस शॉपिंग हॉल में मैंने मोस्टली ग्रॉसरी के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, कुछ भी मैंने स्किन केयर हेयर केयर के प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या परचेज़ किया है। ये सारी चीज़ मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट मुझे दो शिपमेंट में रिसीव हुए, तो मैं आपको वन बाय वन दोनों शिपमेंट की वीडियोस मैंने एक ही में ऐड कर दिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है वो आप देख सकती हैं, ब्रो प्लस एंटीसेप्टिक सोप है। और ये काफ़ी अच्छा है विंटर्स के लिए। अगर आप विंटर में कोई अच्छा अफोर्डेबल रेंज में कोई सोप देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये जस्ट 154 में आपको 6 पीसेज ऑफ सोप मिलते हैं, तो ये काफ़ी अमेजिंग डील है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो एक परफ्यूम है, और ये डिज़ायर का है। और इसको भी मैंने आई थिंक 70 रुपीज़ में परचेज़ किया, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी अच्छी है और 3 से 4 घंटे स्टे भी करता है, तो इस रेंज में काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, सील पैकेजिंग में आया है। उसके बाद मैंने ये दो सर्फ एक्सल के पाउचेज परचेज़ किए हैं, ये हाफ हाफ के जी के हैं। इसमें मुझे आई थिंक 10 रुपीज़ जस्ट ऑफ मिले थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑफ़र नहीं था। उसके बाद मैंने ये डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर परचेज़ किया है, जो मुझे शायद 50 रुपीज़ में आई थिंक मिल गया था, और इसकी जो MRP है वो 80 रुपीज़ है। उसके बाद मैंने ये मखाना का एक पैकेट ऑर्डर किया था, इसकी क्वांटिटी 200 ग्राम्स है, और ये मुझे आई थिंक 120 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। उसके बाद मैंने ये कैडबरीज़ के ये चोको बैग कुकीज़ ऑर्डर किए थे, इसकी भी MRP 70 रुपीज़ है, और पर ये मुझे जस्ट 52 रुपीज़ में ही मिल गया था। और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा ही है, आप लोगों ने इसको टेस्ट किया ही होगा, ये बहुत ही अमेजिंग बिस्किट है। उसके बाद मैंने ये तावी का विटामिन सी एलोवेरा जेल परचेज़ किया है, इसकी भी मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, और ये 200 इसकी क्वांटिटी है, और इसकी प्राइस आई थिंक 249 है। पर आप इसको बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने इसको जस्ट 52 रुपीज़ में, जी हाँ, सिर्फ 52 रुपये में मैंने इसको परचेज़ किया है 200 ग्राम्स। तो मैं इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसकी क्वालिटी के बारे में अभी नहीं बता सकती। तो वीडियो के लिए आप वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलिए हम नेक्स्ट शिपमेंट की जो शॉपिंग मैंने की है ग्रॉसरी की, मैंने उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं, सॉरी ये नहीं है, इसके बाद वो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। जी हाँ, ये हैं वो प्रोडक्ट्स जो मैंने नेक्स्ट ग्रॉसरी की शॉपिंग में ऑर्डर किए थे। ये है टाटा प्रीमियम टी वेदा, और ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का टी है गाइस, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट मसाला वाली जो चाय होती है ना, वो इसमें सारा इसमें पैकेज दिया गया है। इसमें लौंग, इलायची, अदरक, सारे चीज़ों का एसेंस है, और ये काफ़ी टेस्टी चाय बनती है इस चाय पत्ती से, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। एक पैकेट 88 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, मैंने दो ऑर्डर किए थे। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है वो ये है, पार्ले का रस्क रोस्ट बिस्किट है। चाय के साथ ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में, तो अगर आप भी खाते हैं इस तरह से चाय के साथ बिस्किट, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। इसको भी मैंने आई थिंक 25 रुपीज़ में परचेज़ किया था, MRP इसकी 30 रुपीज़ है। इसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये, हाँ ये मैंने दो मस्टर्ड ऑयल के, आई थिंक 3 मैंने ऑर्डर किए थे मस्टर्ड ऑयल के पाउचेज़ हैं जो मैंने परचेज़ किए थे, और ये मुझे 151 में एक मुझे मिल गया था। उसके बाद ये है आशीर्वाद आटा, ये 5 kg का पाउच है। इसमें भी मुझे ज़्यादा ऑफ़र नहीं मिला था, 10 या 15 रुपीज़ जस्ट ऑफ मिले थे मुझे, 195 में मुझे पड़ा था ये। मार्केट में इसकी प्राइस 210 रुपीज़ है, तो मैंने बस मंगा लिया था इसको। और उसके बाद मैंने जो चीज़ परचेज़ की है वो ये हैं, लिटिल हार्ट्स के हार्ट शेप वाले बिस्किट्स, ये भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में।
उसके बाद मैंने परचेज़ किया है ये कैडबरी के चोकोबैक्स कुकीज़, और इस बार मैंने इसको 3 पीसेस में ऑर्डर किए थे क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे सारे लोगों को ये काफ़ी पसंद आता है और वो लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो मैंने इसको 3 पैकेट इसका मंगवा लिया था, और एक बॉक्स की प्राइस आई थिंक मैंने 52 रुपीज़ पे किए हैं इसके लिए। इसकी MRP 70 रुपीज़ है। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है वो है, हाँ, ये शुगर का पैकेट है, 1 kg का है, और मैंने इसके लिए 44 रुपीज़ पे किए हैं। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग होती है, बिल्कुल क्लीन क्लियर शुगर आपको मिलती है। उसके बाद मैंने जो परचेज़ किया है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है ये है, हाँ, मैंने 2 सोन पापड़ी के पैकेट्स भी ऑर्डर किए थे, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है। और मैंने दोनों पैकेट के लिए आई थिंक 140 रुपीज़ पे किए थे, 70 रुपीज़ ईच थे इस सोन पापड़ी की प्राइस, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अमेजिंग है। तो आप भी चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक सारों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाऊंगी। अच्छा, इस शॉपिंग में मुझे 2 प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले थे, तो ये वो 2 प्रोडक्ट्स हैं। ये एक पिल्सबेरी का चक्की फ्रेश आटा, ये 1 kg का पैकेट है, और हाँ, ये इस तरह का है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, आटे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आपको ये 100 ग्राम का आनंदा घी मिलता है, जिसकी क्वालिटी कोई खास नहीं थी, डालडा मिक्स घी था ये। रुको ना जी, तो ये शॉपिंग हॉल में मुझे ये दोनों प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। तो अगर आप भी 1000+ की शॉपिंग करते हैं तो आपको भी उसमें 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा के भी प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये शॉपिंग हॉल, ग्रॉसरी की शॉपिंग हॉल आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे इस तरह से शॉपिंग के, मेकअप के और मेकअप वीडियोस के, डिज़ाइंस की कलेक्शन के वीडियोस मैं बैक टू बैक अपडेट करते रहती हूँ, अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।